अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट नौकरी आर पर। देखिए आज जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है परीक्षाओं को लेकर कि परीक्षा कराई जाएगी तो किस बेस पे कराई जाएगी और कितने क्वेश्चन आयोजित किए जाएंगे इसमें और कैसे मतलब बहुविकल्पी होंगे या थ्योरिकल होंगे, तो आज इसकी जो बैठक हुई थी इसमें क्लियर कर दिया है। तो सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना खुद निर्णय ले रही हैं, क्योंकि दिनेश शर्मा जी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कह दिया था कि जो यूनिवर्सिटी अपने अनुसार देखकर अपने बच्चों की स्थिति को देखकर वो निर्णय ले सकती हैं कि कैसे एग्ज़ाम कराने हैं। तो आइए दिखाते हैं, इस यूनिवर्सिटी ने जो है एक बता दिया है कैसे कराएंगे एग्ज़ाम। तो देखिए जुलाई में OMR सीट पर परीक्षाएँ, यानी कि जुलाई में आयोजित होंगी OMR सीट पर परीक्षाएँ, और परीक्षा समिति की बैठक में स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष की और परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का लिया है निर्णय। देखिए यहाँ पर ये मीटिंग आयोजित की गई है, बैठक भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बीबी की परीक्षा समिति की बैठक में संबोधित करते हुए कुलपति अशोक मित्तल। तो यहाँ देखिए जो बैठक हुई है इसमें निर्णय लिया गया है और साथ में इसमें बताया है कितने क्वेश्चन आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, 100 क्वेश्चन आएंगे। देखिए कुल प्रश्न कितने होंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें से 50 प्रश्नों के आंसर देने हैं, यानी 50 क्वेश्चन के उत्तर देना अनिवार्य होगा छात्रों को। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी मुख्य खबर है कि यहाँ 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन के उत्तर अनिवार्य होगा देने के लिए और स्नातक परास्नातक के पाठ्यक्रम की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाएंगी, ये तो आपको पता है। ठीक है, साथ में देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि परीक्षा का कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, परीक्षा का विरोध नहीं किया किसी ने भी, और जो प्रैक्टिकल है वो कैसे होंगे, मौखिक परीक्षाओं की वीडियोग्राफी की अनिवार्य, यानी कि जो मौखिक परीक्षा होगी उसमें वीडियोग्राफी कर यानी कि ऑनलाइन आयोजित कराए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि जो वीडियोग्राफी जो मतलब प्रैक्टिकल होंगे ऑनलाइन वीडियोग्राफी के द्वारा उसमें 75% से अधिक अंक नहीं दिए जा सकेंगे, 75% से अंक अधिक नहीं दिए जा सकेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्वितीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक दिए जाएंगे। तो ये जो है कहाँ का है, ये भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की समिति की बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर और समय प्रश्न पत्र हल करने में 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 1.5 घंटा का इन्होंने समय दिया है। तो जैसे ही अदर यूनिवर्सिटी लेकर आती है अपनी जो समिति जो कब परीक्षा कराई कब नहीं कराएगी तो उसको लेकर हम तुरंत आपके पास लेकर आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।